नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, कैसे हो आप सब? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की क्लास रहने वाली है अपनी घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल के क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है, घर्षण बल कितने प्रकार का होता है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत में तो घर्षण बल क्या होता है, जैसे हम पृथ्वी के ऊपर चलते हैं तो ये चलना भी क्या है, घर्षण बल के कारण ही संभव हो रहा है। क्योंकि जब हम चलते हैं तो अगर घर्षण बल कम हो जाएगा तो हम चल नहीं पाएंगे और फिसल जाएंगे, यानी कि गिर जाएंगे। तो बात करते हैं घर्षण बल की, आगे बढ़ते हैं क्लास में। घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल, घर्षण बल यानी संपर्क में रखी हुई दो वस्तु होती है और दोनों वस्तुओं के मध्य जो लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, घर्षण बल होता है। जैसे घर्षण बल है, घर्षण बल संपर्क में रखी हुई, संपर्क में रखी हुई दो गतिशील वस्तुओं के बीच कार्य करता है। घर्षण बल संपर्क में रखी हुई दो गतिशील वस्तुओं के बीच कार्य करता है। आगे बात करते हैं, घर्षण बल क्या करता है, घर्षण बल दोनों वस्तुओं की गति का क्या करता है, विरोध करता है। घर्षण बल दोनों वस्तुओं की गति का विरोध करता है, विरोध करता है। आगे बात करते हैं, घर्षण बल की जो दिशा होती है वो हमेशा गति के विपरीत होती है। घर्षण बल की दिशा गति के विपरीत होती है, विपरीत होती है। घर्षण बल की जो दिशा होती है वो क्या होती है, हमेशा गति के विपरीत होती है। घर्षण बल जो होता है वो हमेशा जो सतह होती है उसके ऊपर निर्भर करता है, यानी कि घर्षण बल हमेशा सतह पर निर्भर करता है। अगर कोई सतह चिकनी होगी तो वहां पर घर्षण बल अधिक लगेगा, और अगर कोई सतह खुरदरी होगी तो वहां पर घर्षण बल कम लगेगा। वैसे घर्षण बल हमेशा वस्तु की सतह पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा वस्तु की सतह पर निर्भर करता है। अगर वस्तु की सतह चिकनी होगी तो वहां पे घर्षण बल अधिक लगेगा, और अगर वस्तु की जो सतह है वो खुरदरी होगी तो घर्षण बल कम लगेगा। आगे बात करते हैं घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल के प्रकार में क्या है, घर्षण बल के कुल प्रमुख चार प्रकार होते हैं। जैसे पहला है स्थैतिक या स्थिर घर्षण बल, पहला प्रकार अपने पास है स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल या स्थैतिक फ्रिक्शन। क्लियर। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल में क्या होता है, जैसे कोई समतल
जैसे कोई समतल में कोई चट्टान रखी हुई है, अब समतल में उस चट्टान को जब धक्का देते हैं ना तो चट्टान हिल नहीं पाती है, तो वो क्या है कि जो चट्टान है ना जो स्थिर अवस्था में है, तो स्थिर अवस्था में रखी हुई किसी भी भारी वस्तु को जब हम धक्का देते हैं या खिसकाने की कोशिश करते हैं तो वो स्थिर अवस्था में ही रहती है, यानी कि खिसक नहीं पाती है। जैसे जब किसी स्थिर वस्तु स्थिर वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल, या ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं, स्थिर वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। अभी स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल समतल पर रखी हुई चट्टान को धक्का लगाना, ये कौन सा घर्षण बल हो गया? स्थैतिक घर्षण बल हो गया अपना, स्थिर वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। क्लियर यहां तक? बात करते हैं आगे। सर्पी घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल या स्लाइडिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण बल किसे कहते हैं? सर्पी घर्षण बल वो बल होता है जब कोई वस्तु की गति जो खिसकने की रहती है, यानी जैसे वाटर पार्क में जो फिसलन पट्टी लगी रहती है जिसको फिसलन पट्टी बोलते हैं, जब उसके ऊपर जैसे फिसलते हैं तो फिसलन पट्टी के ऊपर जो घर्षण बल कार्य करता है उसको कौन सा बल कहते हैं? सर्पी घर्षण बल कहते हैं। जब किसी वस्तु की गति फिसलने जब किसी वस्तु की गति फिसलने की रहती है, जब किसी वस्तु की गति फिसलने की रहती है तो उसकी गति की दिशा के विपरीत लगने वाला बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। सर्पी घर्षण बल कहलाता है। ये हो गया सर्पी घर्षण बल। जब किसी वस्तु की गति फिसलने की रहती है तो उसकी गति की दिशा के विपरीत लगने वाला बल क्या कहलाता है? सर्पी घर्षण बल कहलाता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। वाटर पार्क में लगी फिसलन पट्टी, या घिसलन पट्टी बोल सकते हैं, फिसलन पट्टी, वाटर पार्क में लगी फिसलन पट्टी कौन से घर्षण बल का उदाहरण है? सर्पी घर्षण बल। क्लियर यहां तक? अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से वाटर पार्क में लगी फिसलन पट्टी में किस प्रकार का घर्षण बल है, तो ऑप्शन देखते ही टिक कर देना सर्पी घर्षण बल। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि समतल पर रखी हुई चट्टान को धक्का लगाना ये किस प्रकार का घर्षण बल कहलाता है, तो ऑप्शन देखते ही टिक कर देना स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं लॉटकिन घर्षण बल। लॉटकिन घर्षण बल
लॉर्ड इन्हें बादशाह बाल लॉर्ड किन दर्शन बल में क्या होता है, जैसे जैसे कोई सिलेंडर है और भरा हुआ हो और सिलेंडर को हम उठा नहीं पा रहे उसको, तो हम क्या करते हैं उसको नीचे जमीन पे गिरा देते हैं और उसको पैसे पैसे लुटका के ले जाते हैं। तो वो कौन सा दर्शन बल हो गया, उसमें लॉर्ड की दर्शन बल हो गया। तो देखते हैं इसके बारे में, जब किसी वस्तु की गति, जब किसी वस्तु की गति लुढ़क कर, या जब कोई वस्तु लुढ़क कर होती है, जब कोई वस्तु की गति लुढ़क कर होती है तो उस गति के विपरीत लगने वाला बल लॉर्ड किन घर्षण बल कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसका, और एग्जांपल, किसी गैस सिलेंडर को लुटका कर ले जाना। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किसी गैस सिलेंडर को लुटका कर या पैर की सहायता से गति करवाना या ले जाना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का घर्षण है, तो देखते ही टिक कर देना लॉर्डकिन घर्षण बल। क्लियर, आगे बात करते हैं गतिज घर्षण बल काइनेटिक फ्रिक्शन। गतिज घर्षण बल में क्या होता है कि जब गतिशील वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल कौन सा प्रकार का बल है, गतिज घर्षण बल, यानी कि गति करती हुई या गतिशील वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल गतिज घर्षण बल कहलाता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, फॉर एग्जाम्पल, जैसे सड़क पर चलती हुई गाड़ी का सड़क के साथ घर्षण। क्वेश्चन आ जाए कि सड़क पर चलती हुई गाड़ी का सड़क के साथ घर्षण किस प्रकार का घर्षण कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा गतिज घर्षण बल। क्लियर यहां तक, आगे बात करते हैं घर्षण के लाभ और घर्षण की हानि। घर्षण के लाभ यानी कि घर्षण के क्या क्या लाभ होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे चलना, यानी कि घर्षण जो है हमें चलने में क्या करता है, सहायता करता है। दौड़ना, इसमें भी क्या घर्षण कार्य कर रहा है। लिखना, इसमें भी घर्षण कार्य करता है। उठना बैठना, ये सब क्या है, घर्षण के ही लाभ है। जैसे चलना, दौड़ना, खड़े होना और मशीनों में
जो मशीनों में जो पुड़ी होती है वो चारों तरफ राउंड करती है, उसी से मशीन चलती है पुड़ी में, ऐसे बकेट में चलेना इसको पुड़ी में। और लिखना 10 नंबर के कारण हम लिख पाते हैं, तो ये क्या हो गए दर्शन के लाभ हो गए। बात करते हैं दर्शन बल की हानि। दर्शन की हानि यानी दर्शन बल से क्या क्या हानियां होती है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे ऊर्जा की हानि, दर्शन बल से क्या होता है ऊर्जा की हानि, वाहनों में ईंधन की हानि होती है, और घर्षण बल क्या करता है ऊष्मा को उत्पन्न करता है, ऊर्जा की हानि, ऊर्जा की हानि। लगभग वाहनों में, या ऐसे लिख लो इसको, वाहनों में लगभग 20% ईंधन की खपत, 20% ईंधन की खपत घर्षण के कारण, वे होती है। वाहनों में क्या होता है कि जो 20 लगभग 20% ईंधन की खपत हो घर्षण के कारण ही हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, घर्षण ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई वाहन चलता रहता है और उसकी जो टायर होते हैं उनमें अचानक क्या हो जाती है, आग लग जाती है, तो उसका कारण क्या है घर्षण है, यानी कि घर्षण ऊष्मा उत्पन्न करता है। और हानि देख लेते हैं, मशीनों में टूट फूट, ये भी किसके कारण आती है घर्षण के कारण ही आती है। और बात करते हैं सर्वाधिक घर्षण, सर्वाधिक घर्षण, सर्वाधिक घर्षण, पहला तो आएगा स्थिर घर्षण, स्थिर घर्षण, स्थिर घर्षण में सर्वाधिक घर्षण होता है। नेक्स्ट गतिज घर्षण, इससे कम होता है गतिज घर्षण में। नेक्स्ट लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण, ये क्या हुए सर्वाधिक घर्षण, इनका घटता हुआ क्रम सबसे ज्यादा किसमें होगा, स्थिर में होगा, स्थिर घर्षण में, फिर गतिज में, और फिर लौटने घर्षण में, जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की थी। बात करते हैं आगे, ठोस के मध्य घर्षण कैसा घर्षण है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाए कि ठोस व ठोस के मध्य कैसा घर्षण होता है, तो क्या होता है इसमें सर्वाधिक घर्षण होता है, सर्वाधिक प्रकार, सर्वाधिक घर्षण। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, द्रव में या द्रव से द्रव के मध्य घर्षण, मध्य घर्षण, द्रव से द्रव के मध्य घर्षण ठोस के घर्षण से कम होता है, ठोस ऐसे लिख लो, ठोस से कम घर्षण, ठोस से कम घर्षण। नेक्स्ट बात करते हैं गैस, गैस के मध्य घर्षण, तो गैस से गैस के मध्य घर्षण क्या होता है न्यूनतम घर्षण होता है, न्यूनतम घर्षण।
धन्यवाद दोस्तों क्लास में बने रहने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट क्लास के अंदर। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, हम आपकी समस्या का नेक्स्ट क्लास में समाधान करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों।